नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हुआ कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ नगीना में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल अपना प्रत्याशी औपचारिक रूप से घोषित कर दिया था। कल आपको बता दें कि नगीना में बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था जिसमें सुरेंद्र पाल सिंह को बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। सुरेंद्र पाल सिंह जो कि आपको बता दें कि वकालत का पूरा उनका करियर रहा है, जीवन भर उन्होंने वकालत की। इसके बाद अब आपको बता दें कि लगभग उनकी 55 से 60 साल उम्र है और नगीना लोकसभा सीट से जो वर्तमान प्रत्याशी थे बीएसपी के गिरीश चंद्र जाटव, उनका टिकट काटकर सुरेंद्र पाल सिंह को मैदान में उतारा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ उनका बड़ा बयान आया है। मीडिया से बातचीत करते हुए नगीना से बीएसपी के प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह ने बताया कि वो नगीना सीट में दिन रात मेहनत करके बहुजन समाज पार्टी को यह सीट जीत कर देंगे। साथ ही साथ अगर यहाँ पर दलित शोषित समाज के लोगों ने, मुस्लिम समाज ने बीएसपी को वोट नहीं किया तो फिर से देश में भाजपा की सरकार आएगी। इसलिए इस देश में तमाम जहां पर बीएसपी चुनाव लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी को एकजुट होकर मतदान करें जिससे कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस देश की प्रधानमंत्री बन सके। फिलहाल आपकी क्या राय है, क्या नगीना से चंद्रशेखर आजाद जीतेंगे या बीजेपी सपा या फिर बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मारेगा बाजी? आपकी क्या राय है, कॉमेंट करें।